इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू हो रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है नाजरीन, और बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 जारी कर दी है, और उसमें ये है कि मयंक अग्रवाल जो है वो ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से, और मयंक अग्रवाल के जो पार्टनर होंगे वो पृथ्वी शाह नहीं होंगे। पृथ्वी शाह की जगह जो मयंक अग्रवाल के पार्टनर होंगे वो शिवमैन गिल होंगे। इस तरह इंडिया की लाइनअप तैयार हो रही है कि पृथ्वी शाह की जगह शिवमैन गिल को इंडिया ने रखा है, और नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा होंगे, और नंबर 4 पर जो इत्तलात आ रही है ये आ रही है कि अजिंक्य रहाणे जो है नंबर 4 पर खेलेंगे, और नंबर 5 पर जो होंगे वो हनुमान विहारी होंगे, नंबर 6 पर ऋषभ पंत होंगे, और नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा होंगे, नंबर 8 पर अश्विन होंगे, और नंबर 9 10 11 यानी कि 9 पर होंगे बुमराह, और नंबर 10 पर होंगे उमेश यादव, और नंबर 11 पर जो है वो डेब्यू करेंगे मोहम्मद सिराज। तो इंडिया दो डेब्यूटेंट्स के साथ जाएगा, एक मोहम्मद सिराज के साथ और शिवमैन गिल के साथ। विराट कोहली के बगैर टेस्ट मैच इंडिया खेलना है बहुत अरसे बाद। इंडिया एक भाई जो बड़ी सीरीज है विराट कोहली के बगैर खेलने जा रहे हैं, रोहित शर्मा भी नहीं है। तो इंडिया की ये टीम जो है बड़ी उस तरह सही इंडिया की टीम नहीं है जिस तरह पहले टेस्ट में थी, लेकिन इंडिया के साथ हमेशा से उम्मीदें रही हैं। इस टेस्ट सीरीज के लिए जितनी तैयारियां पीछे से ऑस्ट्रेलिया ने की है, तकरीबन पिछले 2 साल से इंडिया की इस टेस्ट सीरीज की बातें हो रही थी, और हर बंदे की नजर टेस्ट सीरीज पर थी। यहां तक कि T20 में जब हो रहा था आपको पता है तब भी हर बंदा टेस्ट की बात कर रहा था कि टेस्ट में इंडिया कॉन्फिडेंस से जाएगा, फिर वनडे हुआ तब भी यही था कि टेस्ट में इंडिया कॉन्फिडेंस से जाएगा। तो असल जो इस सीरीज पर नजर थी वो टेस्ट सीरीज की थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट, हालांकि इंडिया के 2 दिन जो लगातार इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर होल्ड कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आउट क्लास किया इंडिया को, और एक बुरा दिन इंडिया के लिए, हालांकि एक बुरा दिन नहीं बल्कि 2 घंटे इंडिया के बुरे गए, और इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट मैच से बाहर हो गया। तो अभी दूसरा टेस्ट है, इंडिया की अगर बॉलिंग देखी जाए अच्छी है, जरूर इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की जाने से फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी इंडिया के पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। मोहम्मद जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव, ये तो 4 अच्छे इंडिया के पास बॉलर थे, और इंडिया ने अगर अच्छी बॉलिंग की तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकता है। बैटिंग भी इंडिया के पास अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अपने दिमाग की गेम खेलनी पड़ेगी, यानी कि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी खबर है वो डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बोनस होगा इंडिया को। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप की एक और बड़ी खबर ये है कि जो स्टीवन स्मिथ है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक स्टीवन स्मिथ भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, और पहले मैच में तो लबु शाइन भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो इंडिया के पास बड़ा एज है कि इस तरह इनके जो मेन बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया को उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने 300 का टारगेट कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल भी हो सकते हैं। तो नाजीन आपने कमेंट में लाजिम था ना, आपको क्या लगता है पहला टेस्ट जो सेकंड टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया मेलबर्न में हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी फर्स्ट टेस्ट होने लगा है, तो दोनों जो रवायती हरीफ हैं उन दोनों के कल टेस्ट हो रहे हैं, वो भी एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक न्यूजीलैंड के साथ है, तो बड़े इन दोनों में मिलाप है। तो एक की तरफ अजिंक्य रहाणे भी पहली तरफ कैप्टेंसी करेंगे इंडिया की, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान कैप्टेंसी करेंगे पाकिस्तान की, तो बड़े एक इस टेस्ट मैच में बड़ी चीजें जो है वो मिल रही है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या पाकिस्तान भी हरा देगा न्यूजीलैंड को, क्या इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, या क्या होता है ये पता चलेगा टेस्ट मैच के बाद, यानी कि जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है वो कल से शुरू हो रहा है। तो नाज़रीन आपने कमेंट में लाजिम बताना, आपको क्या लगता है कि इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया जो सेकंड टेस्ट है वो कौन जीतेगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।